बात यूपी के संभल की, जहां पर जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा कोर्ट में दायर होने के बाद पहले जुमे की नमाज आज हुई है। संभल में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। डीएम एसपी समेत आरआरएफ पीएसी और भारी पुलिस बल की तैनाती है। संवेदनशील इलाकों में मार्च किया गया है। आरआरएफ और पीएसी को तैनात किया गया है। डीएम ने चेताया है कि सोशल मीडिया पर नजर रखें, अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। माहौल बेहद संवेदनशील यूपी के संभल में, जहां पर मस्जिद के मंदिर होने का दावा अब किया गया है। ये पूरा मामला अब कोर्ट में है। हालांकि अब सर्वे से सच सामने आएगा, कोर्ट का सर्वे किया जाएगा, फोटोग्राफी का आदेश है, उसके बाद ये मंदिर है या फिर मस्जिद है इस पर फैसला होगा। 2 घंटे बाद सर्वे टीम मस्जिद पहुंची और वहां पर मुआयना किया गया। अनमोल बाली मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, वहां पर इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? अगर तस्वीरों के जरिए आप वहां पर मौजूद हैं, दिखा सकें कि पुलिस बल की कितनी तैनाती है। नेहा, मंगलवार के सर्वे के बाद देखा गया शुक्रवार को जुम्मे की नमाज है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में जो लोग हैं जामा मस्जिद में, आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, वहां इकट्ठे हुए हैं नमाज अदा करने के लिए। पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि यहां जो आसपास के जो लोकल लोग हैं वो लोगों को यह आग्रह कर रहे हैं कि आप और जो छोटी मस्जिदें हैं उनकी तरफ जाके अपनी नमाज अदा करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक स्थानीय है। तो सर, मस्जिद में तो बहुत भीड़ हो गई है, उसके बाद देखा गया कि यहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाती है, उसके बाद लोगों को कहा जाता है कि छोटी मस्जिदों की देख लें आप, मस्जिदों की छत तक पे लोग हैं वहाँ पर, छोटी मस्जिदों की, मोहल्ले की सब मस्जिदों में नमाज हो रही है आज जुमे की। सिर्फ शहर में अमन और बरकरार रहे, इस वजह से मस्जिद कमेटी ने यह फैसला किया है कि चारों तरफ बैठ के नमाज पढ़ लो, एक जगह लोग इकट्ठे नहीं हो। जामा मस्जिद की सर कितनी कैपेसिटी है? जामा मस्जिद में कोई 17-18 हज़ार आदमी अंदर आ जाता है। तो अभी जो कैपेसिटी है जामा मस्जिद की फुल है। तो वही नहीं, मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में जो लोग हैं नमाज अदा करने के लिए अलग अलग जो मस्जिदें हैं वहां पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि वहां एक छोटी मस्जिद है, छत पर भी आप देख सकते हैं जो लोग हैं नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पर वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि जो यहां सुरक्षा के प्रबंध हैं वो भी कड़े किए गए हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भारी संख्या में बल है यहां पर तैनात है। धरातल पर तकरीबन 1500 के करीब पुलिस कर्मी जो है वो धरातल पर है, 1000 ग्राउंड पर है, 500 रिजर्व में है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एंटी राइट गियर्स के साथ यहां पर जो पुलिसकर्मी हैं, आरआरएफ के जो लोग हैं यहां पर तैनात हैं, चाहे स्मोक गन्स हो, जैकेट्स हो, राइट जैकेट्स हो, हेलमेट हो। पर वहीं आपको मैं ये भी दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि जो रास्ते हैं जो जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं, जिसकी बैक साइड पर अभी मैं खड़ा हूं, आप वहां देख सकते हैं कि जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है और हर कोने पर आपको पुलिस के जो कर्मी है वो दिखेंगे। आज सुबह से जो प्रशासनिक अमला है यहां पर तैनात है, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और अमन और पीस कमेटीज के जरिए भी बातचीत साथ के लोगों में शांति और अमन की अपील की जा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच जुमे की नमाज अदा की जा रही है, इसके लिए छोटी मस्जिदों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन मस्जिदों के आसपास भी भारी पुलिस बल की तैनाती है। आरएएफ आरआरएफ ये तमाम फोर्सेस वहां लगा दी गई हैं और लोकल प्रशासन ने आगाह किया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई या फिर वहां पर अफवाह फैलाई गई तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। अखिलेश यादव इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये चीजें चलती रहती हैं और यूपी है तो इसलिए जानबूझ के बीजेपी चलाती है। आप अग्निवीर व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है, आपका सरकार पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन हाईएस्ट लेवल पर है। आप सोचिए ना, तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो कर रहे हैं वो लोग। और फिर एक योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई वस्त्र से योगी थोड़ी हो जाता, विचार से बनता है।